हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सप्तम श्रेणी पिला माने, आज आम तुम विज्ञान बहीर जो तृतीय अध्याय रही अम्ल क्षार और लवण तार प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा। तो देख अभ्यास एक नंबर कौन देनोटी लेखाएं अम्ल और क्षार पदार्थर नाम लेख। तो देख अम्ल पदार्थ कौन है ना थंडा भिनेगार लेंबू रस आहरी तुम लेखिपार तुम बही जो देला कमला है। तो क्षार पदार्थ कौन हम ना चून पा सोडा पा साबुन पा है। तो दुई नंबर प्रश्न देख अम्ल और क्षारक मध्य पार्थक्य दर्शाओ। तो देख अम्ल एवं क्षारक, तो देख अम्ल आम कौन लिखा ना अम्ल को चाखिले खटा लगे आउ क्षारक को चाखिले आम कौन लगे ना क्षारिया लगे। तो टू आईट्रे कौन लिखा अम्ल नील लिटमस द्रवण को लाल करे आउ क्षारक लाल लिटमस द्रवण को नील करे। आउ थर्ड आईट देखिए कौन लिखिया देख अम्ल हलदी रंग परिवर्तन करे नाही एवं क्षारक हलदी रंग को लाल रंग रे परिणत करे। आई बी कौन लिखा देख अम्ल मंदार फूल द्रवण को गाढ़ पाटल वर्ण रे परिणत करे बा कौन डार्क पिंक रंग में परिणत करे। आउ क्षारक मंदार फूल द्रवण को सबुज वर्ण में परिणत करे। क्षारिय द्रवण द्वारा प्रशमित हुए अम्ल जो आम रही अम्ल सहित आम क्षारिय द्रवण को मिसेद कौन हम तार अम्ल जो ईटा कमिजी है तो मैंने प्रशमित हो। क्षारिय द्रवण में कौन है ना अम्लीय द्रवण द्वारा प्रशमित हुए। क्षारिय द्रवण सहित आम अम्लीय द्रवण मिसेले प्रशमित हो। आउ अम्ल उदाहरण कौन है ना लेंबू रस तेतुली आंब अंगूर अंला आदि अम्ल थाए कदी पणस कटा आदि क्षारक थाए। तीन नंबर देख लिटमस कागज किपर प्रस्तुत हुए यार व्यवहार कौन। तो यार उत्तर है पातित जल रे लाइकेन नामक उद्भिद को पकाई लिटमस द्रवण प्रस्तुत करा जाए। यही द्रवण रे कागज बुड़ाई सुखाई देले लिटमस कागज प्रस्तुत हुए। लिटमस कागज को अम्ल रे बुड़ाई सुखाई देले लाल लिटमस कागज प्रस्तुत हुए। लिटमस कागज को क्षारिय द्रवण रे बुड़ाई सुखाई देले नील लिटमस कागज प्रस्तुत हुए। लिटमस कागज को अम्ल क्षारक चिन्हिबारे व्यवहार करा जाए। आउ अम्ल लिटमस कागज को लाल वर्ण करे एवं क्षारक लिटमस कागज को नील वर्ण करे। चारि नंबर देख प्रशमनीकरण कौन उदाहरण सह बुझ। तो देख अम्ल और क्षारक प्रतिक्रिया करी लवण और जल प्रस्तुत करे। अम्ल और क्षारक उभय निजस्व धर्म हरांती और प्रतिक्रिया किसी ताप उत्पन्न हुए यही प्रक्रिया को प्रशमनीकरण कहती। तो यार उदाहरण आम कौन लिखा ना अम्ल सहित क्षारक जदि मिसे तो आम कौन हम ना लवण सृष्टि एवं ता सहित जल सृष्टि एवं तुम्हें कौन किसी ताप सृष्टि हे। तो अम्ल क्षारक सहित मिसेले आमर कौन प्रशमनीकरण हुए अम्ल गुणटा कमिजी क्षारक गुण मध्य कमिजी। एवं आउ गोटे लिखा देख कॉस्टिक सोडा द्रवण में गंधकाम्ल मिसाइले सोडियम सल्फेट और जल उत्पन्न हुए। पांच नंबर देख चून पा अम्लीय ना क्षारिय प्रशमित कि तुम्हें किपरी प्रमाण कर। तो देख आम जो चून पाटा अम्ल हम ना क्षारक हम ना प्रशमित ना अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे से कौन प्रशमित। तो आम किपरी चिन्हा से प्रमाण कर लिखा। तो देख देख आम जानते चून पाने जदि लाल लिटमस द्रवण मिशा जाए तो जदि तार रंगटी नील हेबो तेबे चून पाटी क्षारिय कहीं क्षारिय पदार्थ में जदि आम लाल लिटमस रंग मिशोचंती तो तार रंग परिवर्तन ही कौन हम नील हम। जदि चून पानी रे लाल लिटमस द्रवण मिसाइले तार जो लिटमस रंग बदली नील है तुन जो चून पाटी आम कौन कह क्षारिय द्रवण कह। जदि चून पानी रे नील लिटमस द्रवण मिसाई बा मिसेला आम जो अम्ल सहित नील लिटमस कागज मिसले कौन हम तार रंग परिवर्तन है लाल हम। तो चून पानी रे जदि आम नील लिटमस द्रवण मिसाइबा तो जदि तार रंग परिवर्तन हो लाल हुए तो आम जानवा कौन चून पाटी अम्लीय। आदि चून पाटी लाल बा नील लिटमस द्रवण वर्ण परिवर्तन न हुए है तो आम जानवा कौन चून पाटी हूँ प्रशमित द्रवण बोली जानवा कारण जो थिरे बा जो पदार्थ रे लिटमस रंग बदले ना ताक आम कौन जो
प्रशमित द्रवण बोली कही था बा या से द्रवण गुड़िक अम्ल हम ना कि क्षार को कह जाए प्रशमित द्रवण कही था। तो प्रकृत पक्षे आम कह कि प्रकृत क्षेत्र में चून पा हूँ लाल लिटमस द्रवण से वर्ण परिवर्तन कर नील वर्ण में परिणत हो। तो तापर छ नंबर देख दी तुम्हें नुआ वर्ष रे तुम सांग पाख को अभिनंदन पत्र पठाइबा इच्छुक। तो एक सूचक पदार्थ माध्यम रे अभिनंदन पत्र टे किपरि प्रस्तुत कर तार उत्तर हे देख किछि हलदी गुंड नहीं एथिरे अल्प पानी मिसाई बहलिया द्रवण टे प्रस्तुत करिया को हेबो। कागज रे एही द्रवण को पकाई सुखाइबा को हेबो। किछि साबुन पानी प्रस्तुत कर तुला लगा काठी द्वारा हलदी कागज उपर विभिन्न चित्र अंकन कर नुआ वर्ष पाई अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करी हेबो। कारण हलदी गुंड को आम गोटे सूचक भाव में व्यवहार कर हलदी गुंड साबुन पानी संस्पर्शे आसिले जिते प्रतिक्रिया कर साबुन पा सहित जेहेतु साबुन पा हूँ क्षारिय तो हलदी गोटे सूचक। तो हलदी सूचक क्षारिय पदार्थ सहित मिसले तार रंग पर लाल रंगर वर्ण होता है। तो सात नंबर देख कौन दी नाली लिटमस और नील लिटमस कागज रे एक द्रवण पकाइबारु कौनसीटीर परिवर्तन हेला नाही द्रवणटी केउ प्रकृतिर दर्शन। तो देख आर उत्तर हेबो द्रवणटी प्रशमित द्रवण प्रकृतिर कारण द्रवणटी अम्ल नुहे कि क्षार नुहे। देख आम जाच जितेबले कौन पदार्थ लिटमस कागज को पकाइले आमर तार रंग परिवर्तन करे से आम जानती पदार्थटी अम्ल कि क्षारक जेहेतु लिटमस रंग एठार कौन होवर्तन होना तो आम ए जाणी जी से पदार्थ गुड़िक अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे। तो जो पदार्थ गुड़िक अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे आम कहती कौन प्रशमित द्रवण है। तो आठ नंबर देख कौन दे प्रथम शब्द द्वयर संपर्क देखी तृतीय शब्द सह संपर्कित शब्दटी लेख। तो देख एटी जमी चून पा सहित संपर्क रही कौन क्षारक मैंने चून पा हूँ क्षारक। तो पातित जल आम कौन हम ना प्रातित जल अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे ताको आम कौन लिखिपर ना प्रशमित द्रवण। खरे देखिए देख तेतुली तो तेतुली आम कौन क्यों अम्ल अच्छे टाटारिक अम्ल अच्छी। तो से भाई दही में आम कौ अम्ल था तो दही में आम लाक्टिक अम्ल अच्छे। ग नंबर देख नील लिटमस को नाली तो आम किए करे अम्ल करे तो अम्ल सहित जदि आम नील लिटमस को मिसेवा तो से तार रंग पर नाली हे। तो से भाई नाली लिटमस को नील किए कर क्षारिय पदार्थ कर तो ये उत्तर हम कौन क्षारिय। घरे देख दी प्रति अम्ल तो प्रति अम्ल आम के खाती ना आम जदि बद हजम हुए तो आम प्रति अम्ल आंटासीड खाती। तो से आम कालामिन कौपाई लगाती तो कालामिन लगे आम कौन हम ना पिंपुड़ी कामुड़ू आम रक्षा पाइबा कालामिन बाबा खाइबा सोडा घसी था तो आम कौन हम ना पिंपुड़ी कामुड़ू रक्षा। तो नौ नंबर देख दे कारण दर्शाओ कर देख शिल्प आवर्जना जल स्रोत में मिसा पूर्वर यह प्रशमित करवा जरूरी। तो यार कारण कौन हम देख शिल्पजात आवर्जन अम्ल थाए यह जल स्रोत में मिसले जल प्रदूषण कै जल प्रदूषण माछ अन्य जीव मानी क्षतिकारक तेणु यही जल स्रोत में मिसा पूर्वर यह प्रशमित करवा जरूरी। तो से आम कौन करवा जेहेतु शिल्पजात आवर्जन अम्ल थाए तो यहाँ आम प्रशमित करने आम क्षारिय पदार्थ को मिसाइया पड़ता तो क्षारिय पदार्थ मिसेक आम यह प्रशमित करवा है। तो खरे देख दे तुम बद हजम रोग हेले प्रति अम्ल बटिका खाओ है। तो देख यार उत्तर कौन हम ना बद हजम हेले पाकस्थल अधिक अम्ल थाए प्रति अम्ल बटिका खाइले यह अम्ल को प्रशमित कै फल बद हजम रोग से ही समय दूर हुए। तो गरे देख दे बासी पखाल खटाड़िया लगे तो यार कारण कौन हम ना बासी पखाल एक प्रकार अणुजीव बढ़ी पखाल को अम्ल परिणत करती तेणु बासी पखाल खटाड़िया लगे कारण अम्ल पदार्थ को चाखिले खाइले आमको खटा लगे जेहेतु बासी पखाल
ताद्रे अम्लरे परिणत होला तो एहाकु हमकु बासी पखळ खट्टा लागे। 10 नंबर देख दैछि केउठी ठीक बा भूल चिन्ह। तो देखो पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाली लिटमस को नील करे, तो एटा ठीक काहेकि ना पोटासियम हाइड्रोक्साइड हेउछि गोटे कोन क्षारिय, तो क्षारिय जेहेतु सी हमर कोन करिवो ना नाली लिटमस को नील वर्ण करिवो। तापर खरे देख दैछि सोडियम हाइड्रोक्साइड सह लवणामल मिसिले परस्पर प्रशमित होई लवण और जल सृष्टि, तो यह भी आमर ठीक अच्छे। तापर गरे देख कौन देखिए नाइट्रिक अम्ल नाली लिटमस को नील करे, तो देख यहाँ आमर भूल कारण देख नाइट्रिक अम्ल तो जेहेतु यहाँ गोटे अम्ल, तो अम्ल आम लिटमस कागज कौन हम ना नील को नाली कर, कितु ये देखिए नाली लिटमस को नील कर, तो यहाँ आम कौन भूल अच्छी। घ नंबर देख क्षारक अधिक हेले दांत मूल बिंधे, तो ये उक्ति आमर कौन ठीक अच्छी। तापर उ देख लेंबू रस अधिक परिमाण में एसीटिक अम्ल थाए, तो ये उक्ति आमर कौन अच्छी भूल अच्छी, कारण लेंबू रस केम अम्ल था।